बानोफ पे आए जिब्रान भाई, मैं पहले तो मैं देख रहा हूँ, मैंने कहा इतना हसीन बंदा तो आ नहीं सकता। मैंने कहा जर्मन कब से मुझे फॉलो कर रहा है। नई फील्ड पे मैं पहली दफ़ा मेरे चैनल पे डिस्कशन होगी, और ये वाली फील्ड है एक तो मेरी बड़ी इंटरेस्टिंग प्रोफाइल इस लिहाज से लगी कि पाकिस्तान में हम लोग बड़ा ट्रेंड फॉलो करते हैं कि मेडिकल कर लो और इंजीनियरिंग फील्ड कर लो, सब सेट है। बट आप थोड़ा आउट ऑफ द ट्रेंड जाके ना आपने मुझे दोनों में इंटरेस्ट नहीं था। इंजीनियरिंग में इसलिए इंटरेस्ट नहीं था, मैथमेटिक्स मुझे समझ नहीं आती थी। सही है। एंड आई वाज आल्सो लाइक काइंड ऑफ लाइक यू नो नेचर लविंग पर्सन, नेचर में मुझे अच्छा फील होता था, यू नो अवेयरनेस नहीं है कि इस फील्ड की यूरोप में भी बहुत डिमांड है। मैं बता सकता हूँ, इंटरेस्ट नहीं होगा ना लैंग्वेज नहीं सीख पाओगे। सीन है स्कोप का, आपको क्या लगता है जॉब्स मार्केट कैसी है और डिग्री के बाद जॉब मिल सकती है या नहीं मिल सकती? अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एम आर पॉडकास्ट। मेरे साथ जिब्रान भाई और हम बैठे हुए हैं हॉकशूले फुलडा में। ज़्यादातर मुझे शिकायत यही मिलती है कि जी इंजीनियरिंग के स्टूडेंट आप बहुत लाते हैं, इंजीनियरिंग फील्ड पे बड़ा डिस्कस करते हैं, बट आज एक ताज़ा नई फील्ड पे मैं पहली दफ़ा मेरे चैनल पे डिस्कशन होगी, और ये वाली फील्ड है एग्रीकल्चर साइंसेज, फूड साइंसेज, और जितने भी आप फूड से रेलिवेंट जितने भी सब्जेक्ट हैं ना वो कवर करते हैं। जिब्रान भाई थोड़ा सा तारुफ करवा दें अपना। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ जिब्रान, बेसिकली मर्दान रीजन से हूँ, जर्मनी आई हुआ है मुझे तकरीबन 1.5 साल हो गया है। तो मैं आया था 2020 में अक्टूबर, जब कोरोना हुआ था, कोरोना टाइम पे। मैंने बैचलर्स में एग्रीकल्चर पढ़ा है, आई डिड एग्रीकल्चर माय बैचलर्स, सो हैड सम एक्सपीरियंस ऑफ चाइना, आई वाज देयर, आई वाज स्टडिंग चाइनीज लैंग्वेज। फिर मेरा मूड हुआ कि यार अभी यूरोप साइड पे जाना है, यू नो मास्टर्स करना है। जर्मनी अप्लाई किया, यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया था, तो एक मुझे अभी करंटली मैं ये जो कर रहा हूँ मास्टर्स डिग्री इंटरनेशनल फूड बिजनेस एंड कंज्यूमर स्टडीज़ ज्वाइंट डिग्री प्रोग्राम है। बेसिकली दो डिग्रीज का प्रोग्राम है, यूनिवर्सिटी ऑफ कासिल और दूसरा है हॉकशूले फुलडा। फूड मॉड्यूल्स और बिजनेस मॉड्यूल्स का कॉम्बिनेशन है, तो आपके दोनों मॉड्यूल्स चलते रहते हैं, यू नो साइड बाय आपके दोनों मॉड्यूल्स होते रहते हैं, फूड मॉड्यूल्स भी और बिजनेस मॉड्यूल भी। एक तो मेरी बड़ी इंटरेस्टिंग प्रोफाइल इस लिहाज से लगी कि पाकिस्तान में हम लोग बड़ा ट्रेंड फॉलो करते हैं कि मेडिकल कर लो और इंजीनियरिंग फील्ड कर लो, सब सेट है। बट आप थोड़ा आउट ऑफ द ट्रेंड जाके ना आपने एग्रीकल्चर एक तो चूज़ किया, उसकी मैं थोड़ी रीज़न जानना चाहूँगा कि एग्रीकल्चर क्या थी फैसिनेशन कि मैंने कोई एग्रीकल्चर से रेलिवेंट डिग्री करनी। यार इफ लाइक टू बी रियली ऑनेस्ट, स्टूडेंट्स हाई स्कूल में होते हैं तो एज सच क्लियर डायरेक्शन नहीं होती है कि आपको किस साइड पे जाना है। सही है, मोस्टली आप अगर पाकिस्तान की बात करें तो मोस्टली आपके पास दो चॉइसेस होती हैं, एक इंजीनियरिंग, सही है, ठीक है, मैं बैठा और दूसरा मेडिकल होता है, सही है। लेकिन अब वो चीज़ चेंज हो रही है। जहाँ तक मेरी बात है, मुझे दोनों में इंटरेस्ट नहीं था। इंजीनियरिंग में इसलिए इंटरेस्ट नहीं था, मैथमेटिक्स मुझे समझ नहीं आती थी। सही है, बायोलॉजी से इंटरेस्ट था मेरा, एंड आई वाज आल्सो लाइक काइंड ऑफ लाइक यू नो नेचर लविंग पर्सन, नेचर में मुझे अच्छा फील होता था, यू नो मोर नियर टू नेचर, प्लांट्स एंड यू नो फॉरेस्ट एंड लाइक यू नो दिस काइंड ऑफ स्टफ। अप्लाई मैंने बॉटनी, जियोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी और एग्रीकल्चर में किया था। फिर मैंने थोड़ी रिसर्च की कि यार क्या सीन होता है, सो फाइनली आई लाइक चलो एग्रीकल्चर करते हैं। तो एग्रीकल्चर 4 साल की डिग्री थी, BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर, तो वो किया, ठीक हो गया, पसंद आया, खुश थे, पसंद आया। हाँ, अब अगर मतलब एग्रीकल्चर में भी बहुत सारी मतलब लोगों को लगता है एग्रीकल्चर ये नहीं, जब आप एग्रीकल्चर में जाते हो 2 साल आप एग्रीकल्चर पढ़ते हो जिसपे ऑल एग्रीकल्चर को आप कवर करते हो, उसके बाद आपकी स्पेशलाइजेशन स्टार्ट हो जाती है, उसमें आपका हॉर्टिकल्चर है, फूड साइंस है, एग्रोनॉमी है, एंटोमोलॉजी है, सही है, और डिफरेंट चीज़ें हैं, प्लांट प्रोटेक्शन, प्लांट ब्रीडिंग, जेनेटिक्स, डिफरेंट चीज़ें हैं। फिर आप चूज़ करते हो कि आपको किस डायरेक्शन में जाता है। मैंने स्पेशलाइजेशन की हॉर्टिकल्चर में, जो मेरी बैचलर थीसिस थी वो फ्लोरिकल्चर, जो मेरी थीसिस थी फ्लावर से रिलेटेड, हाइड्रेंजिया फ्लावर होता है जिस पे मैंने प्लांट रूटिंग हार्मोन्स जो होते हैं IBA इंडोल ब्यूटेरिक एसिड, वो अप्लाई करके मैंने थीसिस कराई इस्लामाबाद से, जो आपका नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर है, वहाँ से इंटर्नशिप भी की और वहाँ से फिर मैंने अपनी थीसिस की। तो हाँ, मतलब मज़ा आ रहा था, यू नो आपको मुझे फील हो रहा था सही है, मतलब इंटरेस्ट भी यहाँ पे ही है और जो मैं पढ़ रहा हूँ, यू नो वो भी है,
और पाकिस्तान अगर देखा जाए बहुत बड़ा उसका इकोनॉमी का पार्ट एग्रीकल्चर से ही जनरेट होता है, और उस डिग्री को हम कभी भी ना डी वैल्यू नहीं कर सकते, बड़ी इंपॉर्टेंट डिग्री है। स्कोप के लिहाज से बात की जाए, जर्मनी बहुत से लोगों की फर्स्ट चॉइस नहीं होगा, स्पेशली जिन्होंने एग्रीकल्चर में डिग्री की होगी। ना ही इतना कॉमन है कि आप एग्रीकल्चर में बैचलर्स करने के बाद आप जर्मनी को टारगेट करो। रीज़न जो मेरे नज़र में आते हैं, या तो इतनी अवेयरनेस नहीं है कि इस फील्ड की यूरोप में भी बहुत डिमांड है, क्योंकि एक कल्चर बिल्ड होते हुए थोड़ा टाइम लगता है। ज़्यादातर वो ये कि यूके चले जाओ और यहाँ चले जाओ। आपके माइंड में किस तरह आया कि यार जर्मनी जाके मैं कुछ पढ़ता हूँ, और स्कोप को लेके डर नहीं था कि यार वहाँ तो लैंग्वेज इधर उधर है तो जॉब का पता नहीं क्या सीन होगा? अच्छा, जो मेन रीज़न था ना, अभी मैंने जैसे बताया मेरी जो डिग्री है वो इंटरनेशनल फूड बिजनेस एंड कंज्यूमर स्टडीज़ है, उसमें एज सच एग्रीकल्चर नहीं है। एग्रीकल्चर है बेसिक, मतलब आपके एग्रीकल्चर के भी कुछ मॉड्यूल्स हैं, लेकिन मेनली वो है फूड मॉड्यूल्स, जो कि एग्रीकल्चर में अगर किसी बंदे ने फूड साइंस पढ़ा है के लिए फिर इजी होगा, काफ़ी हद तक इजी होगा, इसलिए कि हमारे जो मॉड्यूल्स है फूड क्वालिटी आपका हो गया, फूड साइंस से रिलेटेड, न्यूट्रिशन से रिलेटेड मॉड्यूल्स है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड एज सच मॉड्यूल्स नहीं है। तो मुझे मतलब जो मुश्किल लगी वो यही थी कि मतलब मैंने ये मॉड्यूल्स पढ़े नहीं थे। मेरे मार्केटिंग मॉड्यूल्स है, सही है, बिजनेस मॉड्यूल्स है, फूड साइंस से रिलेटेड मॉड्यूल्स है, न्यूट्रिशनल, कंज्यूमर बिहेवियर, सारे जो कि मैंने नहीं पढ़े थे, लेकिन मज़ा भी आता है। मेरा ये सीन है कि यार मुझे कुछ नया सीखना है, चलो एग्रीकल्चर मैंने कर लिया, सही है, अब मुझे कुछ नया सीखना है, और मेरा इंटरेस्ट भी इसमें था कि मतलब फूड बिजनेस से रिलेटेड कि फूड इंडस्ट्रीज में क्या हो रहा है, फूड कंपनीज में क्या हो रहा है, तो उससे रिलेटेड था। तरह आपने लैंग्वेज की बात की, डिग्री पूरी इंटरनेशनल है, ये जो पूरा आपका जो मास्टर की डिग्री है इंग्लिश में ही है, कोलीग्स सारे इंटरनेशनल कम्युनिटी बहुत है, उसमें इवन जर्मन्स भी है जो कि इंग्लिश में आपके साथ मास्टर्स कर रहे हैं, तो आपको एज सच इनसाइड यूनिवर्सिटी और इनसाइड योर डिपार्टमेंट आपको कभी फील नहीं होगा कि यार आपको जर्मन लैंग्वेज नहीं आ रही है, उसकी वजह से कोई मुश्किल है या कोई सीन है। हाँ, जब आप जॉब ढूंढने जाते हो, पार्ट टाइम जॉब हो गई आपकी, इंटर्नशिप या वर्क स्टूडेंट के लिए भी अप्लाई करते हो, थोड़ी बहुत आपको मुश्किल हो जाएगी, लेकिन एज सच भी नहीं है। जो लोगों ने एक बड़ा वो क्रिएट कर रखा है ना कि मिलेनी की जॉब, कि अगर जर्मन लैंग्वेज आपको नहीं आती है तो मतलब कुछ नहीं हो सकता। मतलब मैं अपने बहुत सारे दोस्तों को देख रहा हूँ जो कि अभी उनको इंटर्नशिप मिल गई है, जर्मन लैंग्वेज रिक्वायरमेंट ही नहीं। साथ साथ आपके पास टाइम भी होता है ना कि आप जर्मन लैंग्वेज सीख, 2 साल बहुत अच्छा खासा टाइम पीरियड है, आप सीख जाते हो। लाइक अगर आप फोकस करो, इवन यूनिवर्सिटी से आपको फ्री लैंग्वेज कोर्सेज ऑफर होते हैं, सही है, आपका A1, A2, इवन B1 तक आपका फ्री कोर्सेज आपको ऑफर होते हैं। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना सीखना चाहते हो। एक तो ये सीन होता है, बंदा कहता है नहीं यार कोई इंटरेस्ट नहीं है लैंग्वेज के लिए, मैंने चाइनीज़ लैंग्वेज सीखी है। मैं बता सकता हूँ, इंटरेस्ट नहीं होगा ना लैंग्वेज नहीं सीख पाओगे, इंटरेस्ट मेन चीज़ है। चाइनीज जर्मन से मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। हाँ, अभी भी आप गूगल पे सर्च कर ले दुनिया की डिफ़िकल्ट, मतलब वर्ल्ड मोस्ट डिफ़िकल्ट लैंग्वेज, आपको चाइनीज़ ही आएगी, और ये एडवांस लेवल पे तकरीबन जा चुके हैं। चाइनीज़ में आराम से आप बातचीत भी कर लेते हैं। हाँ, मतलब चाइनीज़ लैंग्वेज में जिस तरह आपका जर्मन लैंग्वेज वो होता है C1 C2 तक आपका वो होता है, इस तरह आपका चाइनीज़ में होता है HSK 6 levels तक होता है। तो मैंने HSK 4 level तक मतलब 1.5 साल में कवर कर लिया था। ठीक है, इस डिग्री की प्री रिक्विजिट क्या सब्जेक्ट्स थे कि आपने एग्रीकल्चर पढ़ा हो या कोई स्पेसिफिक डिग्री हो तभी आप करके इसमें ज्वाइन कर सकते हो या क्या? अच्छा, मज़े की बात यह है कि मेरे जो कॉलिग्स हैं ना, आई एम दी ओनली वन हु हैव डन एग्रीकल्चर इन बैचलर्स, सही है, रिक्वायरमेंट्स में उनमें लिखा होता है कि आपने एग्रीकल्चर पढ़ा हो। फूड साइंस के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, न्यूट्रिशन जो स्टूडेंट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, फूड से रिलेवेंट आपने थोड़ा बहुत भी कुछ पढ़ा हो जिसमें आपके मतलब ट्रांसक्रिप्ट में फूड से रिलेटेड मॉड्यूल्स हो, आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन एक ये चीज़ है, अगर आपको कुछ नया सीखना है, मतलब अब जिस तरह मैंने सीखा है मार्केटिंग बिजनेस मॉड्यूल्स जो हो गए जो मैंने कभी पढ़े नहीं थे अपने, लेकिन यहाँ सीखने को मिला कर सकते हैं। ठीक है, आई वुड, क्या सीन है स्कोप का, आपको क्या लगता है जॉब्स मार्केट कैसी है, और डिग्री के बाद जॉब मिल सकती है या नहीं मिल सकती? जॉब मिल सकती है, देखिए आप में अगर कोई स्किल है, इफ़ यू हैव स्किल्स, सही है, जॉब आपको मिल जाएगी। ये सीन नहीं होता कि यार देखो कोई भी डिग्री होती है उसका
स्कोप होता है तभी वो कोर्स ऑफर करते हैं इतना सोच समझ के। एमवी स्ट्रगल मेले के लिए आपके लिए प्रोफेसर रखे हैं उन्होंने, फ्री में आपको पढ़ा रहे हैं, इन्वेस्ट इतनी एनर्जी कर रहे हैं। यस, तो मेरा ख्याल है वो डिमांड है तभी ये कोर्स उस हिसाब से डिजाइन है। एक्जेक्टली एक्जेक्टली, इस तरह नहीं होता कि कोर्स की डिमांड नहीं है, कोर्स डिजाइन इतनी बड़ी करके आप बैठे। एक्जेक्टली, तो ऑब्वियसली डिमांड तो होती है, डिमांड है। अभी जो आपकी डिफरेंट फूड कंपनीज हैं, इंटरनेशनल फूड कंपनीज आपकी, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने ड्यूरिंग योर मास्टर डिग्री आपने जर्मन लैंग्वेज सीख ली, फॉर एग्जाम्पल B1 तक अभी आपने अगर सीख ली, आप जर्मन फूड कंपनीज में अप्लाई कर सकते हो ईजिली। इवन इंग्लिश को आप, वो इंग्लिश जो आपको एडवांटेज होता है, एडवांटेज होती है वहाँ पे लिखा होता है, जब आप अप्लाई करते हो ना वहाँ पे लिखा होता है चलो जर्मन बेसिक आनी चाहिए और मतलब इंग्लिश आपको आनी चाहिए। तो अगर आपको जर्मन नहीं आती है आप इंटरनेशनल फूड कंपनीज में अप्लाई कर सकते हो, सही है। ऑल दो कंपटीशन होता है, सही है, इसलिए कि वो इंटरनेशनल कंपनीज है। तो इट्स ऑलवेज गुड कि जर्मन सीख लो ताकि स्कोप आपका बढ़े, स्कोप आपका ऑफ कोर्स आप, और इवन ये जर्मनी का नहीं है, आप किसी भी कंट्री में चले जाओ जब आप वहाँ की लैंग्वेज सीख लेते हो, एक तो आपको यू नो आप लाइफ एंजॉय करनी आपको आ जाती है, इंटीग्रेट हो जाते हैं, इंटीग्रेट आप हो जाते हैं सोसाइटी में आप। इन शॉर्ट कोई अगर मैसेज देना चाहेंगे उन स्टूडेंट को जो आपको देख के यहाँ पे आना चाह रहे हैं फूड रिलेवेंट सब्जेक्ट में, क्या होगा एडवाइस, क्या होगी? यार मैं तो यही प्रमोट करूंगा, अगर आपने एग्रीकल्चर पढ़ा है मैं यही आपको सजेस्ट करूंगा, निकले अपने कंफर्ट जोन से बाहर, निकले कहीं पर भी जाए सीखें, यू नो ट्राई टू इम्प्रूव योर स्किल्स, ट्राई टू इम्प्रूव योर सेल्फ। सिर्फ ये नहीं होता एजुकेशन का कि आपने डिग्री ले ली, ट्रैवल एक्सपोजर ले, ट्रैवल डिफरेंट कंट्रीज, डिफरेंट लोगों से मिले, कल्चर्स यू नो लैंग्वेजेस, आप डिफरेंट लोगों से जब मिलते हो ना आपको कुछ सीखने को मिलता है, और दैट्स हाउ यू बिकेम अ पॉजिटिव पर्सन, जब आप पॉजिटिव वाइब्स देते हो। सही है, मुझे ना जुबान भाई से पॉजिटिव वाइब फील भी होती है। पहले जुबान भाई ये बचपन के किस्से सुने कई जो फटे वाले सीन नहीं होते थे जुबान भाई उनमें इन थे, लेकिन अब जुबान भाई कहते हैं कि यार मैं ना अब सब्र कर लेता हूँ काफी चीजों पे, तो वो ये चीज भी बंदा सीखता है सीखने को। तो मैं यही वो करूँगा कि अगर आपने एग्रीकल्चर किया है, फूड से रिलेटेड आपने किया है, आप अप्लाई करें। सही है, ये डिग्री है और भी बहुत सारे, इवन आपने एग्रीकल्चर किया है डिफरेंट यूनिवर्सिटीज स्पेसिफिकली एग्रीकल्चर डिग्रीज आपको, इवन मेरा एडमिशन हो गया था, मैंने को बताया भी यूनिवर्सिटी ऑफ होनहाइम में, तो वो मुझे स्पेसिफिकली मास्टर्स इन हॉर्टिकल्चर में एडमिशन हो गया था मेरा। प्रोग्राम्स ऑफर हो रहे हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड भी, लेकिन आई थिंक मे बी अवेयरनेस इतनी नहीं है लोगों के माइंड में, ये है कि यार अगर जिस बंदे ने जर्मनी जाए या तो वो IT से रिलेटेड हो या वो इंजीनियरिंग से रिलेटेड हो, सही है मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल, तभी जाओ। नहीं है, डिग्रीज है और अपॉर्चुनिटीज भी है, सिर्फ आपका ये है स्किल्स डेवलप करो। सही है, जो आप पढ़ रहे हैं दिल लगा के पढ़ें और सीखें कि क्या हो रहा है। इसलिए कि जब देखें आप जब जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, CV आप भेज देते हैं, कवर लेटर आप भेज देते हैं, इन दी एंड आपके इंटरव्यूज़ होते हैं, और जिस तरह आपने डिफरेंट वीडियोस में आपने बताया हुआ है 2-3 इंटरव्यूज़ होते हैं, यू नो डिफरेंट फेजेस होते हैं, तो उसमें वो मैटर नहीं करता आपकी आपके ग्रेड्स कितने हैं। सही है, ग्रेड्स आपके इतने हों कि आप अप्लाई कर सकें। सही है, फिर इंटरव्यू में वो आपसे पूछते हैं आपने अगर कुछ सीखा है, आप इंटरव्यू आप क्रैक कर सकते हैं, तो सही है तभी आपकी जॉब होगी। ठीक है, थैंक यू सो मच जिब्रान भाई, वेलकम, और थैंक यू आप लोगों का सुनने का। इंशाल्लाह अगली वीडियोस में मिलते हैं, नेक्स्ट पॉडकास्ट में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।